महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना बागी गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता की नोटिस दी थी, जिसके खिलाफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बागी गुट को राहत देते हुए डिप्टी स्पीकर की नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी है। इस याचिका के बाद अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। कोर्ट ने यह कहकर सुनवाई टाल दी थी कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई 11 जुलाई को करने के आदेश दिए थे। अब उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी, लेकिन इसको लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिन मामलों की आज सुनवाई होनी है उनकी लिस्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिकाओं का जिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।